नमस्कार, आप देख रहे मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूँ साइमा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आखिर बार बार बीजेपी को लेकर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? आखिर एक नाथ शिंदे सरकार में शामिल अजीत पवार के साथ उनकी कथित तौर पर गुप्त बैठक को लेकर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम चले हैं कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच शरद पवार को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने फिर से कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही पवार ने कहा है कि उनके कुछ शुभ चिंतक भाजपा में जाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। पवार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। शरद पवार की प्रतिक्रिया तब आई है जब उन्होंने और अजीत पवार ने शनिवार को ही पुणे में सीक्रेट मीटिंग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक शनिवार शाम को कोरेगांव पार्क इलाके में एक बिजनेसमैन के बंगले पर हुई। एनसीपी पे फूट पड़ने के बाद अजीत और शरद की ये चौथी मुलाकात है। आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? रिपोर्टों में कहा गया है कि शरद पवार को बिजनेसमैन के बंगले से निकलते देखा गया। इसी बंगले से अजीत पवार को भी निकलते देखा गया था। कहा जा रहा है कि अजीत पवार और जयंत पाटिल मीडिया को चकमा देकर बैठक में शामिल हुए थे। अजीत सरकारी काफिला छोड़कर बैठक में पहुंचे थे, वहीं जयंत पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी से रवाना हो गए। बैठक के बाद निकलते वक्त अजीत अपनी गाड़ी में मीडिया से छिपते हुए भी नजर आए थे। अजीत पवार के साथ शनिवार को पुणे में उनकी कथित गुप्त बैठक के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वो मेरे भतीजे हैं। मेरे भतीजे से मिलने में क्या बुराई है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा कि लोग राज्य की बागडोर महाविकास अघाड़ी को सौंपेंगे। इसके साथ ही पवार ने यह भी साफ कर दिया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में नजर नहीं आता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने खुलासा किया कि कुछ शुभ चिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। फिलहाल आगे शरद पवार कहते हैं कि हम में से कुछ, यानी अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह ने एक अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभ चिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही वजह है कि वो सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पवार चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच बैठक को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उन्होंने संडे को कहा कि शरद पवार ने अजीत पवार को अगस्त में मुंबई में विपक्षी इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए कहा होगा। उन्होंने कहा, अगर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं तो पवार परिवार क्यों नहीं। मजाक एक तरफ, उम्मीद है कि शरद पवार कुछ दिनों में अपना रुख साफ कर देंगे। शरद पवार ने शायद अजीत पवार को वापस आने के लिए कहा होगा, जैसे उन्होंने सुबह सुबह शपथ ग्रहण 2019 में फडणवीस के सीएम के रूप में के बात किया था। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राउत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुए कोई भी नेता खुश नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यहां तक कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी नाखुश हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक देखने को मिलती है, या फिर जो स्थिति अभी बहाल है वही रहती है। और क्या शरद पवार भाजपा में शामिल होंगे? आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताइए।